हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज की जो वीडियो है इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं कोई भी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं हूं या लीगल एडवाइज़र नहीं हूं। मैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूं जो करेंटली डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर पब्लिश्ड है और जिसके थ्रू मैंने अपना ट्रांजिट वीज़ा जो है वो लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट या टूरिस्ट जब इंडिया से न्यूजीलैंड आते हैं ऑस्ट्रेलिया होते हुए, तो उन्हें ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं बताया जाता। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स को खुद भी वीज़ा रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पता है। आप जब किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे एक घंटे के लिए, एक महीने के लिए या एक साल के लिए, उस कंट्री में एंट्री लेने के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता करना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपके पास रिक्वायर्ड वीज़ा नहीं है तो या तो आपको एक महंगा फाइन पड़ेगा या फिर आपको वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। दोनों केसेस में नुकसान आपका है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं वाया फ्लाइट और वाया शिप, आप अपनी ट्रैवल रिक्वायरमेंट, अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट को हमेशा हमेशा डबल चेक करें। अब ट्रांजिट वीज़ा होता क्या है? ट्रांजिट को आप वाया की तरह भी समझ सकते हैं। जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक किसी तीसरी कंट्री में रुकते हुए जाते हैं तो उस तीसरी कंट्री जहां पर हम रुक रहे हैं उसे ट्रांजिट कहा जाता है। जैसे अगर मैं इंडिया से न्यूजीलैंड आ रही हूँ या न्यूजीलैंड से इंडिया जा रही हूँ और बीच में किसी भी कंट्री पर मेरी फ्लाइट रुक रही है और मैं अपनी फ्लाइट या शिप चेंज कर रही हूँ, तो जहां पर मैं चेंज कर रही हूँ उस पोर्ट को, उस एयरपोर्ट को या शिपिंग पोर्ट को ट्रांजिट पोर्ट कहा जाता है। कई कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने एयरपोर्ट या शिपिंग पोर्ट पर रुकने के लिए कुछ कंट्रीज के लिए ट्रांजिट वीजा रिक्वायरमेंट रखती हैं। अब ट्रांजिट वीज़ा किसे चाहिए? एलिजिबल कंट्रीज की जो लिस्ट है वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर ऑलरेडी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इंडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं मेरी तरह, तो ऑस्ट्रेलिया में रुकने के लिए, फ्लाइट चेंज करने के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। अगेन, ट्रांजिट वीज़ा सिर्फ 72 आवर्स तक ही एलिजिबल होता है और इसमें आप एयरपोर्ट के बाहर नहीं जा सकते। आप ट्रांजिट वीज़ा के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सेम एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ट्रांजिट वीज़ा नहीं है, फिर आपको विजिटर या टूरिस्ट कोई और वीज़ा लेना पड़ेगा। उसकी रिक्वायरमेंट आपको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब ट्रांजिट वीज़ा आप कब अप्लाई कर सकते हैं? जिस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हैं उससे 90 डेज पहले आपकी जो ट्रांजिट वीज़ा एप्लीकेशन की विंडो है वो खुल जाती है। तो अपने ट्रैवल डेट से 90 डेज पहले आप ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रांजिट वीज़ा का प्रोसेस क्या है? ट्रांजिट वीज़ा का प्रोसेस आप तीन स्टेजेस में देख सकते हैं। पहला स्टेज है जहाँ पे आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। सेकंड स्टेज है जहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। और थर्ड प्रोसेस है जहाँ पे आपको अपने बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स देने हैं। एंड अगेन, ये सारी जो डिटेल्स है ये मैं इंडियन पासपोर्ट के लिए बता रही हूँ। अगर आप किसी भी और पासपोर्ट पर हैं या फिर अगर किसी और टाइमलाइन पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे दोबारा से डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर चेक करना पड़ेगा। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी। एक्चुअली प्लीज़ मेक श्योर कि आप कभी भी कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज आपको एंट्री नहीं करनी दी जाएगी, आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करनी दी जाएगी। तो आपको ट्रांजिट वीज़ा के लिए अपने पासपोर्ट की पहले और आखिरी पेज की सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी पासपोर्ट के सारे स्टैम्प्ड पेजेस आपके किसी भी पासपोर्ट पे, चाहे वो करंट हो या एक्सपायर्ड हो, अगर उसमें कहीं भी कोई भी स्टैम्प लगी है तो वो सारा पेज आपको स्कैन करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको चाहिए अपनी कन्फर्म्ड टिकट या फिर एक्सपेक्टेड ट्रैवल आइटिनरी। पासपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री और टिकट के अलावा आपको चाहिए वीज़ा, यानी जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं या तो आपके पास वहाँ का वीज़ा होना चाहिए या फिर आप एलिजिबल होने चाहिए वहाँ के ऑन अराइवल वीज़ा के लिए।
यानी अगर मैं इंडिया से होते हुए न्यूजीलैंड आ रही हूँ तो मेरे पास न्यूजीलैंड का वीज़ा होना चाहिए, और अगर मैं न्यूजीलैंड से होते हुए इंडिया आ रही हूँ तो मेरे पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, जिससे पता लगे कि हाँ मैं उस कंट्री में एंट्री ले सकती हूँ। इसके अलावा आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, मेक श्योर कि सारी चीज़ें डिजिटल अवेलेबल हों, क्योंकि सब कुछ आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके अलावा आपको अपना एक सोर्स ऑफ इनकम या फाइनेंस भी दिखाना है। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं अपना बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या फिर अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आप इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर अपने जो एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते, सबमिट नहीं कर सकते। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपको लगता है कि आप प्रोवाइड करेंगे और आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प होगी, तो आप डेफिनेटली उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कवर लेटर। सेकेंड स्टेप आ जाता है एप्लीकेशन सबमिट करना। अगेन ट्रैवल डेट से 90 डेज पहले ही आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आपको इमी अकाउंट का एक लिंक मिलता है। इमी अकाउंट ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं। ईमेल अकाउंट पे जाकर आपको रजिस्टर करना है एक ईमेल आईडी के थ्रू और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां पे सबमिट करनी है। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको करीब करीब 40-45 मिनट्स लग सकते हैं। एट द एंड आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं और एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है आपको ईमेल अकाउंट के मैसेज सेक्शन में जाना है। मैसेज सेक्शन में आपके पास एक कन्फर्मेशन मेल आएगी प्लस एक बायोमेट्रिक्स की रिक्वायरमेंट आएगी। इन दोनों जो ईमेल्स हैं या जो मैसेज हैं इनका प्रिंट आउट आपको निकाल के रखना है। एक ईमेल आपकी एप्लीकेशन सबमिशन को कंफर्म करते हुए आपकी ईमेल आईडी पर भी आएगी, जिसका प्रिंट आउट भी आपको लेके रख लेना है। बायोमेट्रिक्स की कंफर्मेशन आपकी ईमेल पे नहीं आती है, आपको ईमेल अकाउंट के मैसेज सेक्शन में ही इसकी रिक्वायरमेंट का मैसेज मिल जाएगा। थर्ड स्टेज आ जाता है बायोमेट्रिक सबमिट करने का, यानी अपने फिंगरप्रिंट सबमिट करने का। अब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया को ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे इफ आई एम राइट, इंडिया में टीटी सर्विसेज जो है वो ज्यादातर इमिग्रेशन के काम देखती है, अनलेस कि ये पैंडेमिक के बाद चेंज हो गया हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर आप न्यूजीलैंड से अप्लाई कर रहे हैं तो VFS ग्लोबल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइड करती है। इनके ऑफिस ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्वींसटाउन एंड आई थिंक क्राइस्टचर्च में भी है। जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट किया है उसके 14 दिन के अंदर ही आपको अपने बायोमेट्रिक सबमिट करने हैं, तो मेक श्योर कि जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उसके 14 दिन के अंदर आपके पास एक बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। बायोमेट्रिक्स का प्रोसेस लिटरली 10 मिनट का प्रोसेस है, जहां पे वो आपकी फोटो लेते हैं और आपके बायोमेट्रिक्स ऑटोमेटिक सबमिट कर देते हैं। इसके बाद आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है अदर देन कि आप ऑनलाइन जाकर ईमेल अकाउंट पर अपना अकाउंट चेक करते रहते हैं, यानी कि जस्ट इन केस अगर किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया है वो आपको ईमेल अकाउंट के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करेगा, तो मेक श्योर कि आप अपना ईमेल अकाउंट चेक करते रहते हैं। अब बात आ जाती है फीस की। जब आप ईमेल अकाउंट पे अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वहां पे आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। जब आप VFS ग्लोबल पे ऑनलाइन अपना बायोमेट्रिक्स बुक करते हैं तो आपके पास $0 फीस लिखी हुई आती है, लेकिन VFS ग्लोबल एक थर्ड पार्टी है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपको सर्विस फीस चार्ज करता है। जब आप बायोमेट्रिक्स की बुकिंग करते हैं और बुकिंग का प्रिंट आउट निकालते हैं वहां पर आपको कोई भी फीस नहीं दिखती है, फीस सेक्शन में $0 लिखा होता है, लेकिन जब आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर फीस सेक्शन में जाके चेक करते हैं स्पेसिफिकली तो वहां पर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस वो चार्ज करते हैं, जिसमें सर्विस फीस और वीजा फीस दोनों इंक्लूडेड होती है। ये फीस अलग अलग सिटीज में वैरी कर सकती है। जैसे अगर आप वेलिंगटन में अपने बायोमेट्रिक्स अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी फीस जो है वो कुछ डॉलर्स एक्स्ट्रा हो सकती है ऑकलैंड के मुकाबले।
अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑकलैंड में VFS ग्लोबल का मेन ऑफिस है। वो वेलिंगटन में अपने स्टाफ को स्पेशली कुछ दिनों के लिए भेजते हैं ताकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके बायोमेट्रिक्स के लिए, और इसीलिए कुछ डॉलर एक्स्ट्रा फीस वो चार्ज करते हैं। मेरे बायोमेट्रिक्स के लिए मैंने टोटल $133 के आसपास पे किया था, जिसमें से $67 और $68 जो था वो सर्विस फीस थी और बाकी ट्रांजिट वीजा फीस थी। तो मेक श्योर कि आप सारी इंफॉर्मेशन फीस वगैरह से रिलेटेड चेक कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप एप्लीकेशन के पहले या बायोमेट्रिक्स के पहले ऑफिसर्स को कॉल या ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। अब जब बायोमेट्रिक सबमिट हो चुका है तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना सिवाय अपने ईमेल अकाउंट पर जाकर मैसेज सेक्शन को चेक करते रहना। अगर आपको डबल चेक करना है कि आपके बायोमेट्रिक सबमिट हुए हैं कि नहीं, तो जब आप अपने ईमेल अकाउंट को चेक करेंगे तो उसमें लास्ट अपडेटेड जो डेट है वो वही डेट होगी जिस दिन आपने अपने बायोमेट्रिक सबमिट करे हैं। इससे आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपके बायोमेट्रिक सबमिट हो चुके हैं। अगर आपने सारा प्रोसेस सही से कंप्लीट किया है और अगर किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है तो बिना किसी कम्युनिकेशन के आपकी ईमेल पे डायरेक्टली जो वीज़ा है वो 40 to 90 days के बीच में आ जाना चाहिए। अगर आप एक एग्जैक्ट टाइमलाइन देख रहे हैं तो आपको एक ग्लोबल प्रोसेसिंग टाइमलाइन का लिंक अपने ईमेल अकाउंट पर ही मिल जाएगा और वहां पे क्लिक करके आपको पता लग जाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे इमिग्रेशन कितना टाइम ले रही है आपका वीजा कंप्लीट करने के लिए। मैंने 27 अगस्त 2022 को अपना एप्लीकेशन सबमिट किया था, 8 सितंबर 2022 को अपने बायोमेट्रिक सबमिट किए थे और 4 अक्टूबर 2022 को मेरे पास मेरा जो ट्रांजिट वीजा था वो आ चुका था। जस्ट टू मेक श्योर कि आप लास्ट मिनट हसल को अवॉइड करें और इमिग्रेशन से होने वाले किसी भी डिलेज को अवॉइड करें, मेक श्योर कि आपका जैसे ही 90 days का विंडो खुलता है आप अपना एप्लीकेशन ट्रांजिट वीजा का जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर दें। अगर आपको किसी भी इमरजेंसी में ट्रैवल करना है तो मेक श्योर कि आप ऑस्ट्रेलिया से अपना ट्रैवल अवॉइड करें, क्योंकि आप बिना ट्रांजिट वीजा के वहां से ट्रैवल नहीं कर सकते। ये इंफॉर्मेशन जो मैं आज इस वीडियो में दे रही हूँ ये August to October 2022 के लिए सही है। अगर आप किसी भी और टाइमलाइन पर ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को हमेशा डबल चेक करें और टाइम से पहले प्रिपेयर रहें। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। आप कोई भी आपका फ्रेंड नोन जो ट्रैवल करने वाला है थ्रू ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड या किसी भी और कंट्री के लिए, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो रखिए एंड हैव सेफ ट्रैवल्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।